हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारा पहला लेक्चर है प्लेन टेबल सर्वे के बारे में। शुरुआत करते हैं प्लेन टेबल सर्वे की और जानते हैं प्लेन टेबल सर्वे क्या होता है और इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। तो देखिए, प्लेन टेबल सर्वे क्या है, हमने पिछले लेक्चर में अब तक पढ़ चुके हैं। चैन सर्वे, कंपास सर्वे, थियोडोलाइट सर्वे, बहुत सारे सर्वे पढ़ चुके हैं। उन सर्वे से सभी से डिफरेंट है प्लेन टेबल सर्वे। क्यों है डिफरेंट? क्योंकि हर सर्वे में एक चीज़ कॉमन थी कि हम फील्ड में जाएंगे, रीडिंग लेके आएंगे, फिर लैब में आकर उस रीडिंग के बेस्ड पर हम मैपिंग करेंगे। लेकिन इस सर्वे में यही एक ऐसा सर्वे है जिसमें हम क्या करते हैं, प्लॉटिंग और रीडिंग्स को साथ साथ कर सकते हैं। तो प्लेन टेबल सर्वे एक ऐसा सर्वे है जिसमें एक टेबल की मदद से और ट्राईपॉड वगैरह बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, इनकी मदद से हम क्या करते हैं, रीडिंग्स फील्ड में ही जाकर रीडिंग को साथ साथ पढ़ते हैं और उनकी प्लॉटिंग भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पूरा डिटेल में एक पूरा लेक्चर बनाया हुआ है प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे कैसा है, ग्राफिकल सर्वे मेथड है। यानी हम क्या करते हैं, ग्राफ द्वारा फील्ड को बना लेते हैं। और क्यों, कैसे बनाते हैं, साथ के साथ रीडिंग पढ़कर और साथ के साथ प्लॉटिंग कर लेते हैं। तो ऐसा सर्वे जिसमें प्लॉटिंग और रीडिंग को साथ साथ वर्क किया जा सके, तो उसे हम कौन सा, उससे जो बनने वाला मैप होता है उसे हम कहते हैं ग्राफिकल सर्वे मेथड सर्वे। और इसे हम किसके द्वारा कर पाते हैं, प्लेन टेबल सर्वे द्वारा हम कर लेते हैं। तो देखिए, प्लेन टेबल सर्वे को हम ग्राफिकल सर्वे मेथड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो भी ग्राफ बनने वाला है वो हमारा प्लॉटिंग और रीडिंग के साथ साथ बनेगा, तो इसलिए ग्राफिकल सर्वे मेथड भी इसे कहते हैं। चलिए आगे, हमारा इसमें प्लेन टेबल सर्वे में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। तो प्लेन टेबल सर्वे में यूज किए जाने वाले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हमारी लिस्ट मैंने यहाँ पर बना रखी है। सबसे पहला है हमारा प्लेन टेबल, कि प्लेन टेबल सर्वे में प्लेन टेबल तो यूज करेंगे ही। तो देखिए, प्लेन टेबल सर्वे में जिस टेबल का यूज करते हैं उसे हम कहते हैं जॉनसन टेबल। यानी इसे क्या कहते हैं, हम और भी हमारी कई टाइप की है पर सबसे इंपॉर्टेंट है जॉनसन टेबल। तो जॉनसन टेबल हमारी किसकी बनी हुई होती है, चीड़ और देवदार की बनी हुई एक टेबल है जिसका साइज आपको याद रखना है 75 सेंटीमीटर लंबी और 60 सेंटीमीटर चौड़ाई की होती है। जरूरी ये नहीं है कि इसकी चौड़ाई और ये कांस्टेंट है, अलग अलग साइज की और भी हमारी प्लेन टेबल रहती है, पर मोस्टली हम 75 सेंटीमीटर लंबाई की और 60 सेंटीमीटर चौड़ाई की हम प्लेन टेबल को यूज करते हैं। इसकी थिकनेस कितनी होती है, थिकनेस हमें याद रखना है 15 से 20 एमएम तक की हमारी थिकनेस होती है, चीड़ और देवदार की बनी हुई एक लकड़ी है। चलिए, इतना जानने के बाद आप ये भी जानिए कि प्लेन टेबल सर्वे की जो टॉप सरफेस है, ये हमारी टॉप सरफेस है जिस पर हम वर्क करते हैं, सीट वगैरह लगाते हैं, तो जो चार्ट वगैरह लगाया जाएगा तो इसकी जो टॉप सरफेस हो कैसे होनी चाहिए, हमारी स्मूथ होनी चाहिए। और साथ के साथ आपको ये देख लीजिए, यहाँ पर आपने एक वर्ड सुना होगा एक्सिस ऑफ प्लेन टेबल, के प्लेन टेबल की एक्सिस किसे कहते हैं। तो किसी भी प्लेन टेबल के टॉप से जाने वाली एक इमेजिनरी लाइन है, टॉप सरफेस को टच करते हुए जाने वाली, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, टॉप सरफेस को स्पर्श करते हुए जाने वाली, टॉप सरफेस को टच करते हुए जाने वाली इमेजिनरी लाइन ही हमारी क्या होती है, एक्सिस ऑफ प्लेन टेबल होती है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था प्लेन टेबल से, प्लेन टेबल हमारी क्या होती है। अगला है हमारा यू फॉर्क। तो प्लेन टेबल का वर्क क्या है, सीट को सपोर्ट करना और ग्राफ वगैरह बनवाना, ये सारा इसी पर रोक के वर्क किया जाता है। तो हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लेन टेबल सर्वे का। दूसरा हमारा पार्ट है यू फॉर्क। अब यू फॉर्क क्या है, देखिए यू फॉर्क जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यू शेप में होता है। यू फॉर्क एक यू शेप में चिमटे की भांति एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है। और इस इंस्ट्रूमेंट को क्या यूज है, इस इंस्ट्रूमेंट का, इस इंस्ट्रूमेंट में टॉप सरफेस में एक हमारी शार्प एज रहती है और बॉटम में एक हमारा हुक निकला रहता है। लेकिन एक चीज़ कॉमन है, जब ये हमारा स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट होगा और सही एक्यूरेट स्थिति में होगा तब इस शार्प एज और इसके नीचे वाले हुक को जाने वाली एक इमेजिनरी लाइन होगी, वो इन दोनों पॉइंट्स को एक तो वर्टिकली मिलाती हुई होगी जरूर। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए यू फॉर्क जान लिया आपने, यू फॉर्क का शेप कैसा है, यू फॉर्क की शेप हमारी यू शेप की होती है। और इसका यूज क्या है, प्लेन टेबल सर्वे में यू फॉर्क का यूज करते हैं सेंटरिंग पर्पज से। अब देखिए, सेंटरिंग, ओरिएंटेशन एंड लेवलिंग हमारा क्या होता है, इसके लिए अलग लेक्चर तो बनाऊंगा ही, वहां पर बात करेंगे डिटेल से। इन शॉर्ट जान लेते हैं कि भूमि पर स्थित किसी भी पॉइंट को
प्लेंट भूमि पर स्थित जो भी पॉइंट है जमीन पर, सपोज करो जमीन पर हमारा कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर ही हमें वर्टिकली प्लेन टेबल के किसी एक पॉइंट को वर्टिकली सेट करना है। तो भूमि पर स्थित किसी भी पॉइंट को जस्ट वर्टिकल ट्रांसफर करने के लिए हम क्या करते हैं, यानी सीधे सीधे ऊर्ध्वाधर रूप से ट्रांसफर करने के लिए हम सेंटरिंग कहते हैं। और इस सेंटरिंग को करने के लिए हम यू फॉर का यूज करते हैं, या फिर इसका थोड़ा सा उल्टा बोलिए कि प्लेन टेबल पर कोई भी बिंदु स्थित हो और उस बिंदु को जस्ट एग्जैक्ट वर्टिकल भूमि पर ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोसेस है उसे हम सेंटरिंग कहते हैं, और इस प्रोसेस को करने के लिए हमें यू फॉर्क मदद करता है। तो ये हो गया हमारा यू फॉर्क। यू फॉर्क के नीचे साथ में यहाँ पे लिखा हुआ अगला इंस्ट्रूमेंट प्लम्ब बॉब। प्लम्ब बॉब क्या करता है, वही सेंटरिंग वर्क में यूज होता है, ये यू फॉर्क के साथ मिलाकर यूज करते हैं। इसे सिंधी में साहुल कहते हैं। इसको हुक से लटका देंगे और इसकी जो लोअर कॉर्नर होगा, जो लोअर एज होगी इसकी, वो देख लेंगे जमीन पर कांटा छू रही है, वही पॉइंट हमारा प्लेन टेबल पर स्थित पॉइंट और जमीन पर पॉइंट हमारे एक दूसरे के सीधे सीधे वर्टिकली कॉइंसाइड करेंगे। तो ये हो गया हमारा यू फॉर्क। प्लम्ब बॉब दोनों एक साथ यूज हो रहे हैं, एलिडेड, यू फॉर्क और प्लम्ब बॉब। अगला पार्ट है हमारा एलिडेड। एलिडेड क्या है हमारा, देखिए एलिडेड इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्लेन टेबल में यूज होने वाला ही एक इंस्ट्रूमेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। ये हमारा दो प्रकार का होता है, एक नॉर्मल एलिडेड और एक टेलीस्कोपिक एलिडेड। नॉर्मल एलिडेड क्या है, देखिए आपको सामने यहाँ पर एक स्केल जैसा दिखाई दे रहा है, ये एक तरीके का एक स्केल है जिसके ऊपर दो वैन्स लगी रहती है। देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर साइड में एक वैन ये है, एक दूसरी वैन ये है। अगर जब इसको हमें यूज नहीं करना होगा तो इन वैन को हम इस तरह से क्लोज कर देंगे, इन दोनों को ऐसे रख देंगे जैसे ये वाली वैन है इस तरह से रखी हुई है अभी, तो ऐसे क्लोज कर सकते हैं जब हम इस पर वर्क नहीं कर रहे होंगे। तो जैसे ही वर्क करते हैं तो इन वैन्स को खोल लिया जाता है। तो जिस वैन पर आंख लगाकर हम इंस्ट्रूमेंट को बाइसेक्ट करते हैं, टारगेट को बाइसेक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं आई वैन, और सामने वाली जो वैन होती है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट वैन। और इन आई वैन और ऑब्जेक्ट वैन और इंस्ट्रूमेंट तक जाने वाली लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। ये मैं पिछली बार कई बार लेक्चरों में बता चुका हूँ कि लाइन ऑफ साइट क्या क्या है। अब अंतर आपको यही पता होना चाहिए कि लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कॉलिमेशन में क्या अंतर है और हमारे एक्सेस ऑफ टेलीस्कोप में क्या अंतर है। पिछले वाले जो हम लेक्चर पढ़ चुके हैं लेबलिंग के टेलीस्कोप के, वहां आप जाके वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा इंस्ट्रूमेंट, सबसे फोर्थ नंबर पर कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, एलिडेड। तो एलिडेड हमारे कितने प्रकार के, नॉर्मल एलिडेड और टेलीस्कोपिक एलिडेड। तो नॉर्मल एलिडेड एक प्रकार की पटरी है, एक प्रकार का स्केल है जिसकी लेंथ हमारी 60 to 75 सेंटीमीटर अलग अलग देखने को हमें मिलती है, 65 to 75 सेंटीमीटर। अब देखिए इस पटरी की खास बात यह है कि इस पटरी का एक किनारा हमारा कैसा होता है, बिल्कुल शार्प होता है, यानी तीखा होता है उसका किनारा, थोड़ा सा उसको घिस देते हैं साइड से। तो उस एज को जहाँ पर निशान बने हुए होते हैं उस एज को हम रूलिंग एज, ग्रेजुएटेड एज या फ्यूडियसल एज या वर्किंग एज कहते हैं। वर्किंग एज क्यों कह रहे हैं, वर्किंग का मतलब है काम कराने वाली एज। तो ये एज ही हमारी क्या करती है, प्लेन टेबल पर जब भी हम कोई लाइन खींचेंगे तो इसी एज के सहारे हमें खींचना होता है। तो इसे वर्किंग एज, फ्यूडिशियल एज, रूलिंग एज और ग्रेजुएटेड एज भी कहते हैं। ग्रेजुएटेड का मतलब हिंदी में होता है अंशांकित, यानी कि हमारी ग्रेजुएटेड है ये, इस पर क्या रखे थे हमारे सेंटीमीटर में निशान लगे हुए होते हैं। तो प्लेन एलिडेड का या फिर नॉर्मल एलिडेड का हम यूज़ कहाँ करते हैं, जब फील्ड हमें जो फील्ड दिया गया है प्लेन टेबल सर्वेइंग करने के लिए, वो फील्ड हमारा कैसा होना चाहिए, एकदम प्लेन होना चाहिए, तब उस केस में हम नॉर्मल एलिडेड का यूज करते हैं। लेकिन टेलीस्कोपिक एलिडेड का यूज हम कब करेंगे, जब हमारा जो ग्राउंड है वो कैसा है, अंडुलेट है, यानी लहरियादार है, कभी ऊंचा कभी नीचा, पहाड़ी टाइप का एरिया है, तो उस केस में हम यूज करते हैं टेलीस्कोपिक एलिडेड। ये टेलीस्कोपिक एलिडेड में एक टेलीस्कोप लगी रहती है, नीचे हमारा एक प्लेट जैसी लगी हुई होती है, इस प्लेट के ऊपर हमारा टेलीस्कोप है और ये हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में इस तरीके से मूव कर सकता है। तो जहां पर अगर हमारे लाइन ऑफ साइट से कोई नीचा पॉइंट पड़ रहा है, लाइन ऑफ साइट से कोई ऊंचा पॉइंट है, उस केस को हमें ग्राफ द्वारा हमें प्लेन टेबल में देखने के लिए हम टेलीस्कोपिक एलिडेड का यूज करते हैं। दोनों के यूज सेम ही है कि ये हमारे मैप बनवाने के एक कंपोनेंट है, एक पार्ट है, मैप बनवाने में हमें सपोर्ट करते हैं, इनके बिना हम मैप नहीं बना पाएंगे। तो उस केस में बस ना याद रखना है कि टॉपोग्राफिक जो हमारा एरिया है वो कैसा है, अंडुलेटिंग हो, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, टेलीस्कोपिक एलिडेड यूज करते हैं। इस टेलीस्कोपिक एलिडेड की जो टेलीस्कोप है वो कैसी होती है, उसके लिए डिटेल में जानने के लिए आपको डेस्क
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक अलग से वीडियो मिलेगी, अभी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए तो वहां पर आपको अलग से वीडियो मिलेगी एक बबल ट्यूब की और एक टेलीस्कोप की और एक टर्फ कंपास की। ये तीनों वीडियो में अलग से बना चुका हूं पहले ही। चलिए अगला हमारा है इंडियन टेंजेंट क्लाइनोमीटर। ये क्या काम करता है? इंडियन टेंजेंट क्लाइनोमीटर का यूज है वर्टिकल एंगलों को पढ़ना। क्या यूज करता है हमारा? वर्टिकल एंगलों को पढ़ना, वर्टिकल एंगल रीड करता है। यानी कि जब हमें कभी अपनी लाइन ऑफ साइट से एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन यानी हमें ओनियन कोण या अवनमन कोण अगर हम देखना हो तो प्लेन टेबल सर्वे में हम क्या करते हैं? इंडियन टेंजेंट क्लाइनोमीटर का यूज करके हम उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन हम निकाल सकते हैं। ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक जो ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे का जो कॉम्बिनेशन है कि प्लेन टेबल लाइए और उसके ऊपर आप इंडियन टेंजेंट क्लाइनोमीटर रखिए और एंगल पढ़ पढ़ कर हम उसे कंटूर वगैरह या आरएल वगैरह हम निकाल कर ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे करते हैं। और ये हमारी एक इनडायरेक्ट सर्वेइंग का एक पार्ट है जो हमने लेवलिंग वाले चैप्टर में बताया था। तो इंडियन टेंजेंट क्लाइनोमीटर क्या काम करता है? वर्टिकल एंगल के पढ़ने के लिए वर्क करता है। नेक्स्ट हमारा है बबल ट्यूब। बबल ट्यूब का काम क्या है? देखिए यहाँ तक तो बता चुके हैं, प्लेन टेबल हो गया, यू फॉर हो गया सेंटरिंग के लिए, प्लम्बर हो गया सेंटरिंग के लिए, एलिडेड हो गया लाइन वगैरह खींचने के लिए या मैपिंग के लिए, पूरा यही रेस्पॉन्सिबल है। इंडियन टेंजेंट क्लाइनोमीटर वर्टिकल एंगल पढ़ने के लिए, लेकिन जो बबल ट्यूब है, बबल ट्यूब का यूज करते हैं हम लेबलिंग पर्पज से। क्या करते हैं? ये लेबल, जब भी बबल ट्यूब आती है लेबलिंग पर्पज का ही वर्क कराती है। तो प्लेन टेबल को ठीक समतल स्थिति में लाने के लिए जब भी प्लेन टेबल पर हम वर्क करेंगे तो ट्राईपॉड पर प्लेन टेबल को कस देते हैं और कसने के बाद हमें ये याद रखना है कि प्लेन टेबल टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है वो ठीक हॉरिजेंटल कंडीशन में रखने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, उसका नाम है बबल ट्यूब। कैसे करते हैं कि ट्राइपॉड की जो तीन टांगे हैं उनको इस तरीके से एडजस्ट करना होता है कि बबल ट्यूब का जो बुलबुला है, जो बबल इसमें रहता है, यहां पर हमारा ईथर प्लस एल्कोहल का लिक्विड भरा हुआ रहता है और ये जो बबल ट्यूब का बुलबुला है वो कहां जाना चाहिए? जस्ट मिडिल में आ जाना चाहिए। तब हम समझ जाते हैं कि जो प्लेन टेबल हम यूज कर रहे हैं वो प्लेन टेबल ठीक हॉरिजॉन्टल कंडीशन में आ गई और हम ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको ये भी याद रखना है कि बबल ट्यूब को प्लेन टेबल पर दो स्थिति में रखना होता है। एक बार तो हम स्थिति इस तरीके से रहेगी और दूसरी बात इसके जस्ट 90, एक बार बबल ट्यूब ऐसे रखेंगे और दूसरी बार बबल ट्यूब को इस तरीके से उसके जस्ट 90 डिग्री पर रखेंगे। और जब रखने के बाद एक बार इस कंडीशन में बबल को बीच में लेके आएंगे और एक बार इस कंडीशन में बबल को बीच में लेके आएंगे। तो ये था हमारा बबल ट्यूब का कॉन्सेप्ट। ध्यान रखेंगे एक बात और, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बबल ट्यूब की बहुत सारी जानकारी वाला एक वीडियो पोस्ट किया है हमने, बनाया रखा है एक वीडियो जिसमें एक्सेस ऑफ बबल ट्यूब, बबल ट्यूब की सेंसिटिविटी टेम्परेचर पर, विस्कोसिटी पर, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी, इसका इंटरनल डायमीटर, आउटर डायमीटर स्मूथ होना चाहिए, रफ होना चाहिए, बहुत सारे सवालों का एक ही वीडियो में जवाब दिया गया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके बबल ट्यूब से ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया बबल ट्यूब लेवलिंग के पर्पस के लिए। अगला हमारा है ट्रफ कंपास। ट्रफ कंपास भी क्या है? ट्रफ कंपास हमारा ओरिएंटेशन वर्क के लिए यूज करते हैं। प्लेन टेबल में अगर हमें ओरिएंटेशन करना हो, ओरिएंटेशन का मतलब है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का ज्ञान अगर हमें लेना है, तब हम क्या करते हैं? ट्रफ कंपास का यूज करते हैं। इसके लिए भी पूरा ट्रफ कंपास का डायग्राम और उससे रिलेटेड जो एंगल्स पैसे पढ़ पाता है किस तरह से यूज करते हैं इसका, वो भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक तीन वीडियो हमने दे रखी है, उन वीडियोज को आप देख सकते हैं। तो ट्रफ कंपास का यूज क्या है? ओरिएंटेशन, जैसे हिंदी में कहते हैं दिक स्थापन। चलिए तो ओरिएंटेशन हो गया, ट्रफ कंपास हो गया। यहां पर ट्रफ कंपास मैक्सिमम कितना एंगल पढ़ सकता है? मैक्सिमम 5 डिग्री, मैंने बताया था 5 डिग्री मैक्सिमम एंगल हमारा पढ़ सकता है। और इसका यूज क्या है हमारा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में प्लेन टेबल को लाना। और इसके साथ साथ आपको ये ट्रफ कंपास में ये भी इन शॉर्ट याद रखिए कि ट्रफ कंपास को प्लेन टेबल के राइट कॉर्नर में रखना चाहिए, यानी राइट कॉर्नर में हमें रखकर यूज करना चाहिए। अगला हमारा ट्राइपॉड। देखिए ट्राइपॉड का है, ट्राइपॉड किसी भी इंस्ट्रूमेंट, ट्राइपॉड प्लेन टेबल में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो प्लेन टेबल को जमीन से कुछ ऊंचाई पर सेट करता है और वो ऊंचाई हमारी कितनी होती है? 1.2 मीटर। तो ट्राइपॉड एक तीन टांगों वाला, इस तरीके से तीन टांगों वाला एक हमारा है पार्ट है, एक
इसी प्लान टेबल का एक पार्ट है, और इसकी जो हाइट रहती है हमारी कितनी रहती है 1.2 मीटर रहती है। तो जो ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड क्या हो गया, तीन टांगों वाला एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर का हिस्सा हमारा प्लेन होता है जिसे हम लेबलिंग हेड कहते हैं, और लेबलिंग हेड के ऊपर रख देते हैं प्लान टेबल, और उसके नीचे हमारा जो फ्लाई नेट होता है उसे हम कस देंगे। कसने के बाद हम बबल ट्यूब यूज करेंगे, ट्रफ कंपास यूज करेंगे, प्लम्बॉब यूज करेंगे, और जिस जिस ऑपरेशन की हमें ज़रूरत है उस ऑपरेशन को हम यूज करते चले जाएंगे। तो हमारा ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट इन प्लान टेबल। बाकी देखिए बहुत सारे पार्ट्स कैसे हैं, रेंजिंग रॉड, खूंटियाँ, पैग्स, रबड़, कटर, पेंसिल, पिन और चार्ट, ये बहुत सारे भी हमारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, पर मेनली हमारा प्लान टेबल के जो मेन इंस्ट्रूमेंट थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। ओवरऑल लास्ट में कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद ये रखना है कि प्लेन टेबल को ग्राफिकल मेथड सर्वे कहते हैं, और प्लॉटिंग एंड रीडिंग हम इसमें साथ साथ कर सकते हैं। दूसरा, प्लेन टेबल का लाभ यानी प्रॉफिट भी याद करना है हमें। तो देखिए ज़रा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चार सवाल और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि प्लेन, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लेन टेबल थियोडोलाइट से कम कीमत में हो जाता है। थियोडोलाइट के लिए स्किल्ड लेबर की जरूरत है, इसके लिए ज़्यादा स्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये है, वर्षा के मौसम में यानी जब हमारा मौसम खराब हो उस स्थिति में हम इस प्लेन टेबल सर्वे को यूज नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारा इसका डिसएडवांटेज है। और एडवांटेज की फॉर्म में एक और बात याद रखनी है कि जैसे हम चैन सर्वे कर रहे हैं और चैन सर्वे के लिए हम फील्ड में गए और फील्ड में हमने जाके उसके बहुत सारा डेटा ले लिया, और हमने लैब में आए और लैब में आने के बाद हमें ये पता चलता है कि भाई हमने कुछ रीडिंग्स को छोड़ दिया है, लेकिन प्लेन टेबल सर्वे में ऐसा नहीं है, रीडिंग्स हमें नहीं छोड़ेंगे क्योंकि जो नक्शा बन रहा है वो साथ के साथ हमारे सामने ही बन रहा है, और जो रीडिंग हमें और रिक्वायर्ड है और भी हम उसी टाइम हम ले सकते हैं। तो ये हमारे कुछ बेनिफिट्स हैं, बस याद रखना है कि मौसम ख़राब मौसम में नहीं होगा, इसका डिसएडवांटेज यही है, बाकी कम कीमत में हो जाता है, लेस स्किल्ड लेबर हमें ज़रूरत होती है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है प्लान टेबल सर्वे में। तो स्टूडेंट, हमारे सभी स्टूडेंट्स मैं यही कहना चाहता हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर लगातार देख रहे हैं उनसे यही अनुरोध है, लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्सों को जरूर शेयर करें ताकि चैनल की जल्दी से जल्दी ग्रोथ हो सके और आपके साथ हम लाइव आ सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।